केटल में हम बनाने वाले हैं गुजरात का स्पेशल ढोकला। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देखिए मेरे वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर से। अगर वो रेड कलर का है मतलब आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, फिर आपको मेरी सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर वो रेड कलर का नहीं दिख रहा है मतलब आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, आपको बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। तो आज हम टू टाइप्स के ढोकले बनाएंगे, नॉर्मल बेसन का ढोकला और ट्राई कलर ढोकला। तो ट्राई कलर ढोकला और बेसन ढोकला बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी बेसन, एक कटोरी सूजी, एक कटोरी दही, थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर, नमक, राई, करी पत्ता, चटनी। ये कोरिएंडर चटनी है, आप इसके बदले मिंट की चटनी या पुदीने की चटनी भी यूज कर सकते हैं। हल्दी, चिली, इनो के पैकेट, एक लेमन, ऑयल और पानी। तो चलिए बनाते हैं गुजराती स्पेशल ढोकला, वो भी अपनी केटल में। तो पहले हम बेसन का ढोकला बनाने की तैयारी कर लेते हैं। बेसन का ढोकला बनाने के लिए हमने ये बेसन लिया है, इसे हम एक बोल में ट्रांसफर करेंगे। इसमें 4 से 5 स्पून कर्ड डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इस बैटर को हम 30 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। ट्राई कलर ढोकला बनाने के लिए हमने सूजी ली है, इस सूजी को हम इस बोल में ट्रांसफर करेंगे। अब हम सूजी में 1/2 कटोरी कर्ड मिलाएंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 स्पून पानी डालेंगे। हमारा सूजी का बैटर रेडी है, इसे हम 15 मिनट्स के लिए रेस्ट करने देंगे। 15 मिनट्स हो गए हैं, हमारी सूजी जो है वो अच्छे से सोक हो गई है, बट ये बैटर जो है वो थोड़ा गाढ़ा है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। इतना सा पानी हमने लिया है, ये हम इसमें मिलाएंगे। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ट्राई कलर ढोकला बनाने के लिए हम थोड़ा सा बैटर एक कटोरी में ट्रांसफर करेंगे। ये हमने 4 स्पून बैटर एक कटोरी में ट्रांसफर किया है। 1 कटोरी में हम थोड़ा बेसन का बैटर ट्रांसफर करेंगे, ये भी हमने 4 स्पून लिए हैं। बेसन वाले बैटर में थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, इससे हमारा कलर जो है वो अच्छा आएगा, और इसे मिला लेंगे। ये वाले सूजी के बैटर में हम थोड़ी सी हरी चटनी मिलाएंगे। तो ट्राई कलर ढोकला बनाने के लिए हमारे 3 बैटर रेडी हैं, ग्रीन, वाइट और ये येलो कलर का। ये येलो में हम ऑरेंज का कलर मिक्स कर सकते थे बट हमने कोई भी एडेड कलर यूज नहीं किया है, इसलिए हमने हल्दी यूज करी है। जैसे हमने बैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, वैसे हम इस इनो के पैकेट को भी 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इनो हम ग्रीन वाले में मिलाएंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने ये बोल लिया है, इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। ये बोल हमारा केटल के साथ ही आया था। ढोकला स्टीम करने के लिए हम पहले केटल को ऑन करेंगे, ये वाले 3 ग्लास पानी डालेंगे। ये स्टैंड भी हमने इसके अंदर रखा है केटल के, ये स्टैंड भी केटल के साथ ही आया था। पानी को हम 1 मिनट के लिए बॉईल होने देते हैं। सबसे नीचे ग्रीन कलर का बैटर डालेंगे हम। ये बैटर हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया, अभी बोल हम इस केटल में रखेंगे और इसे 2 मिनट्स के लिए कुक होने देंगे। अब हम ये 4 स्पून सूजी का बैटर लेंगे और एक बोल में ट्रांसफर करेंगे। इसमें हम इनो मिला देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। अब हम ये सूजी का बैटर उस ग्रीन वाले बैटर के ऊपर लेयर कर देंगे, इसको हम अच्छे से लेयर कर देंगे। इसे हम 1 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 1 मिनट हो गया है, अब हम ये बेसन वाले बैटर में इनो मिलाएंगे, जितना भी इनो बचा था हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ये बेसन वाला बैटर सूजी वाले बैटर पर लेयर कर देंगे। अब हम इसे 6 से 7 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो ये 7 मिनट्स हो गए, अब हम इसे चेक करेंगे ये बन गया है कि नहीं बना है। चेक करने के लिए हमने ये एक टूथपिक ली है, इसे हम इसमें सेंटर में डाल के देखेंगे। ये एकदम क्लीन वापस आई है, मतलब ये कुक हो गया है। अब हम इस केटल को बंद कर देंगे और इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये ट्राई कलर ढोकला हमारा बन के रेडी है, इसे हम 2 मिनट्स का रेस्ट देंगे, फिर हम इस बोल से इसे निकाल लेंगे। तो 2 मिनट्स हो गए हैं, हम इस ढोकले को इस बोल से निकाल के देखेंगे। ये एकदम आराम से इस बोल से निकल आया है,
देखिए ये कितना अच्छा बना है, पूरे तीनों कलर इसमें दिख रहे हैं। ये बहुत ही स्पॉन्जी बना है, सॉफ्ट है ये एकदम। ये बेसन का बैटर हमारा रेडी है, अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे और आधा पैकेट इनो डालेंगे। बेसन का बैटर जितना ज्यादा भीगता है उतना ज्यादा अच्छा होता है। बोल हमने ग्रीस करके रखा है ऑयल से, अब हम ये बैटर इसमें ट्रांसफर कर देंगे। केटल को हमने ऑन किया है, इसमें ऑलरेडी पानी है, इसे हम स्टीम करने के लिए इसमें रख देंगे। ढोकला हमारा स्टीम होने में 8 मिनट्स लेगा, तो 8 से 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चेक करेंगे कि हमारा ढोकला बन के रेडी है कि नहीं रेडी है। ये टूथपिक हमने लिए है, इस टूथपिक को हम सेंटर में डाल के चेक करेंगे कि हमारा ढोकला बन के रेडी है कि नहीं रेडी है। ये टूथपिक हमारी बिल्कुल क्लीन वापस आई है, कुछ भी स्टिक नहीं हुआ है, मतलब हमारा ढोकला जो है वो बन के रेडी हो गया है। इसे 2 मिनट्स के लिए रेस्ट करने देंगे, फिर हम इस बोल से इसे बाहर निकाल देंगे। तो हमारे ढोकले जो है वो बन के रेडी है, अब हम इनके लिए तड़का बनाएंगे। तड़का बनाने के लिए केटल को ऑन किया है हमने। 1 बड़ा स्पून हम ऑयल डालेंगे इसमें, 1.5 चम्मच राई डालेंगे, करी पत्ता डालेंगे, ये ग्रीन चिली को हमने स्लिट करके रखा है बीच से, ये हम इसमें डाल देंगे, 2 स्पून चीनी डालेंगे, 1 ग्लास पानी डालेंगे, 1/2 लेमन हम इसमें स्क्वीज कर देंगे, थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। 4 से 5 मिनट्स तक ये बॉईल होगा और हम ये गरम गरम तड़का जो है वो अपने ढोकले पे डालेंगे। 1 मिनट के लिए हम ढोकले और तड़के को ऐसे ही रहने देंगे, फिर हम इसे कट करेंगे। तो हमारे ढोकले बनके रेडी है, बट ये ढोकले का ब्रेकफास्ट तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक इसके साथ चाय ना हो। तो आज हम बनाएंगे एक स्पेशल चाय। एक स्पेशल चाय हमने पहले भी आपके साथ बनाई थी जो 10 नंबरी थी, वैसे ही आज एक और स्पेशल चाय बनाएंगे। आज हम बनाएंगे झटपट हटके स्वाद वाली पुदीना चाय। पुदीना चाय राजस्थान के उदयपुर के पास एक जगह है नाथद्वारा, जहाँ पे श्रीनाथ जी विराजमान है, वहां पे ये चाय बहुत फेमस है। तो आज वही फेमस पुदीना चाय हम यहाँ केटल में बनाएंगे। तो श्रीनाथ जी की फेमस पुदीना चाय बनाने के लिए हम पहले केटल को ऑन करेंगे। अब हम इसमें 1 ग्लास पानी डालेंगे, 2 चम्मच चाय की पत्ती डालेंगे, 1.5 चम्मच चीनी डालेंगे, इतनी सी अदरक ग्रेट कर देंगे हम इसमें। जब हमारा पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा तब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। ये अच्छे से बॉईल हो गया है, अब हम इसमें मिल्क डालेंगे। ये हमने 1 ग्लास मिल्क लिया है, इसमें हमने डाल दिया। इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे हम, काफी देर तक ये बॉईल होती है। ऐसे ऐसे इसको चलाते रहेंगे, इससे इसका टेस्ट अच्छा आएगा। देखिए हमारी चाय जो है वो अच्छे से बॉईल हो रही है। अब हम ये पुदीना जो है वो इसमें डाल देंगे 30 सेकेंड्स के लिए। ध्यान रखिएगा 30 सेकेंड्स के लिए ही सिर्फ पुदीना इसमें उबालिएगा, वरना ये पुदीना जो है वो कड़वा हो जाएगा और चाय भी हमारी कड़वी हो जाएगी। 30 सेकेंड्स हो गए, हम केटल को बंद करेंगे और हम चाय को इस कुल्हड़ में छानेंगे, क्योंकि चाय का असली स्वाद तो कुल्हड़ से ही आता है। अब हम ये स्टैंड लेंगे और इस केटल में रखेंगे इसे, और हम केटल में पानी डालेंगे थोड़ा सा, और इस कुल्हड़ को हम इस केटल के अंदर रखेंगे। अब हम केटल को ढक के 2 मिनट के लिए ऑन करेंगे। अब हमारा कुल्हड़ जो है वो इस भाप से गर्म हो जाएगा और कुल्हड़ का फ्लेवर जो है वो चाय में जाएगा, तो ये और भी अच्छा टेस्ट देगी। 2 मिनट हो गए, अब हम केटल को बंद कर देंगे। तो हमारी श्रीनाथ जी की स्पेशल पुदीना चाय भी रेडी हो गई। तो हमारा परफेक्ट गुजराती ब्रेकफास्ट रेडी है श्रीनाथ जी की स्पेशल पुदीना चाय के साथ। मेरे से तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है इस चाय और इस ढोकले को टेस्ट करने के लिए। आपसे हो रहा हो तो मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है। तो खाते रहिए और खिलाते रहिए और मुझे बताते रहिए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे केटल की नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बी पॉजिटिव, ईट हेल्दी फूड, ईट लॉट्स ऑफ फूड। बाय बाय।